भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों की अर्जी पर आज नैनीताल हाईकोर्ट की सुनवाई। बागी विधायकों ने सदस्यता खत्म करने के स्पीकर के फैसले को दी है चुनौती। बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए तैयारियां जोरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कवायद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा के लिए मनोनीत। नवजोत सिंह सिद्धू को भी मिली जगह। चार अन्य हस्तियों के नाम पर लगी मुहर। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते पर किया हस्ताक्षर। 170 से अधिक देश साथ आए। धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने की होगी कोशिश। और बैंगलोर की पुणे पर शानदार जीत। आज डेयर डेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। सनराइजर्स और किंग्स इलेवन के बीच भी होगी टक्कर। भारतीय जनता पार्टी ने सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सांसद के लिए नामित किए गए हैं। स्वामी समेत 6 हस्तियों को राज्यसभा भेजने के लिए सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है, जिन्हें बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, बॉक्सर मैरी कॉम, सीनियर पत्रकार स्वपन दास गुप्ता, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी और अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव के नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक सलीम खान को भी सरकार ने राज्यसभा का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। भारत ने 170 से अधिक देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर कल हस्ताक्षर किया। इस हस्ताक्षर को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब धरती के बढ़ते तापमान का मुकाबला करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के मोर्चे पर ये सभी देश मिलकर काम करेंगे। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभागार में एक उच्च स्तरीय समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समारोह में शासनाध्यक्षों, मंत्रियों, उद्योगपतियों और कलाकारों ने हिस्सा लिया और उसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने की। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता के रद्द किए जाने के मामले पर सुनवाई होनी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि बागी विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है, जिसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट के तल्ख तेवर के बीच आज सबकी नजर हाईकोर्ट के फैसले पर होगी। अगर इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो हरीश रावत के लिए राहत भरी खबर होगी, लेकिन अगर सदस्यता बहाल हो जाती है तो बीजेपी के लिए सरकार बनाने का दावा पेश करना आसान होगा। विदेश मंत्रालय ने बैंकों के अरबों रुपए के देनदार विजय माल्या को स्वदेश लाने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कल पत्रकारों को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ मुंबई की एक अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने की सूचना देते हुए विदेश मंत्रालय से उन्हें स्वदेश लाने का अनुरोध किया है। मंत्रालय इस पर आवश्यक कानूनी परामर्श शुरू कर दिया है और इसके बाद संबंधित देश से उन्हें भारत भेजने का अनुरोध किया जाएगा। हैदराबाद में एक हादसे में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बाल बाल बच गए। तेलंगाना दौरे पर गए नड्डा हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे कि अचानक लिफ्ट में तकनीकी खराब आ गई और लिफ्ट पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक फिसल गई। इस लिफ्ट में जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव, एनवीवीएस प्रभाकर और 3 स्थानीय नेता थे। हादसे के बाद सभी को सुरक्षित लिफ्ट से निकाल लिया गया। झटके से लिफ्ट फिसलने की वजह से नेताओं ने पैर में हल्के दर्द शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के सहारनपुर जिले में दबंगों की जमीन पर पेशाब करना एक दलित युवक को महंगा पड़ गया। दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में 4 लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। ये घटना सहारनपुर के ननोता थाना इलाके की है। जाफतेपुर गांव में देर रात एक दलित युवक नरेंद्र दबंगों की जमीन पर पेशाब करने चला गया। इसी बीच दबंगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उन्होंने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पिटाई के दौरान बीच बचाव करने आए युवक परिजनों पर भी दबंगों ने हथियारों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के ज्वेलर्स अपनी मांगों को लेकर 25 से 27 अप्रैल तक एक बार फिर हड़ताल पर जाएंगे। ये निर्णय शुक्रवार को हिंदी भवन में आयोजित द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बैठक में लिया गया। व्यापारी सोने पर हाल ही में लगाए गए 1% एक्साइज को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने ज्वेलर्स को भरोसा दिया था कि 22 अप्रैल तक उनकी मांगों पर विचार कर सोने पर एक्साइज को खत्म कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ज्वेलर्स ने अपनी हड़ताल को स्थगित किया था, लेकिन ज्वेलर्स की मांग पर सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। अगर सरकार इस हड़ताल के बाद भी ज्वेलर्स की मांगों को नहीं मानती है तो 28 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। चीन के जाने माने उइगर नेता को भारत द्वारा वीजा जारी किए जाने पर बीजिंग ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत का ये कदम पाकिस्तान में छुपे बैठे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाने को चीन को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने भारत के इस कदम पर चिंता जताते हुए कहा है कि ईसा एक आतंकवादी है और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है, इसलिए सभी देशों की जिम्मेदारी बनती है कि उसे कानून के हवाले किया जाए। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता डोलकून ईसा जर्मनी में रहते हैं। चीन अपना पहला तैरता हुआ समुद्री परमाणु ऊर्जा प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिसे वो विवादित दक्षिणी चीन सागर में तैनाती करने की संभावना पर विचार भी कर रहा है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार परमाणु ऊर्जा प्लेटफॉर्म से दक्षिणी चीन सागर में द्वीप पर निर्माण कार्य करने की देश की क्षमता में इजाफा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक परमाणु ऊर्जा प्लेटफॉर्म को दूरस्थ इलाकों की ओर भी ले जाया जा सकता है, जिसे उन इलाकों में बिजली की सहज आपूर्ति हो सकेगी। देश में 91 प्रमुख जलाशयों में जल का स्तर घटकर उनकी कुल क्षमता के 22% पर आ गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक 21 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान इन जलाशयों में 34.082 अरब घन मीटर पानी उपलब्ध था। इनकी कुल क्षमता 157.799 अरब घन मीटर की है। मंत्रालय ने कहा कि ये जलस्तर पिछले साल की समान अवधि में उपलब्ध जलस्तर की तुलना में 35% कम है और इसी अवधि के 10 साल के औसत भंडारण से 24% कम है। पिछले साल की तुलना में इस साल हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में प्रमुख जलाशयों में जल का स्तर कम है। कप्तान विराट कोहली और एबी ड्वेलर्स के बीच बड़ी शतकीय साझेदारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महेंद्र सिंह धोनी की राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स को 13 रन से हराकर आईपीएल 9 में फिर से जीत की राह पकड़ी। ड्वेलर्स ने 46 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 83 रन की धमाकेदार पारी खेली। कोहली ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 63 गेंदों पर 80 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी की। बैंगलोर के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुणे टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने 60 रन और कप्तान धोनी ने 41 रन की पारी खेली। रसोई गैस पर मिल रही सब्सिडी को देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया है। केंद्र सरकार के चलाए जा रहे अभियान के कारण ऐसा हो पाना मुमकिन हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सब्सिडी छोड़ने से 60 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा सका है। एक रिक्वेस्ट की थी मैंने मेरे देशवासियों को कि अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो आप एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं? सामान्य मध्यम वर्ग, कोई शिक्षक पेंशन पे गुजारा करता है, लेकिन जब उसने सुना कि ये सिलेंडर किसी गरीब परिवार को जाने वाला है, उसने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। गिव इट अप। मोदी सरकार की घरेलू गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए चलाए गए गिव इट अप अभियान का देश भर में व्यापक असर देखने को मिला है। खास बात यह है कि न केवल अमीर लोगों बल्कि बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के लोगों ने गिव इट अप कैंपेन के तहत अपनी गैस सब्सिडी त्याग दी है। इस अभियान के पिछले साल 27 मार्च को शुरू होने के बाद अभी तक 1,13,00,000 लोगों ने खुद से अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी है। 5 राज्यों महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों ने इसमें बाजी मारी है। इसका फायदा 60 लाख ऐसे परिवारों को मिला है जिन्हें इस अभियान के चलते नए एलपीजी कनेक्शन मिले हैं। एक साल के अंदर 1 करोड़
13 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, केवल गिव इट अप नहीं, पहल डायरेक्ट ट्रांसफर मैकेनिज्म, बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म, आज दुनिया की सबसे बड़ा इनिशिएटिव बन चुकी है। इसके अलावा मोदी सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है। पीएम मोदी 1 मई को यूपी के बलिया जिले से राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर रहे हैं। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। इस साल करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले 3 साल में 5 करोड़ बीपीएल कैटेगरी के परिवारों में एलपीजी पहुंचाया जाएगा। कनेक्शन की जो ऑफ्रंट खर्चा है उसको सरकार की ओर से दिया जाएगा। मौजूदा समय में देश में कुल 16.64 करोड़ एक्टिव गैस कनेक्शन हैं और उम्मीद है कि आने वाले 3 वर्षों में हर साल 3 करोड़ नए कनेक्शन जुड़ेंगे, जिसमें से आधे से अधिक गैस कनेक्शन गरीब महिलाओं को मुफ्त मिलेंगे। एक सर्वेक्षण के मुताबिक हर साल खाना पकाने वाले चूल्हे के धुएं के कारण 5 लाख महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है और दिन भर में करीब 400 सिगरेट के बराबर धुआं झेलना पड़ता है। ऐसे में मोदी सरकार की कोशिश है कि पीएम उज्ज्वला योजना के जरिए देश के गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई जाए और उनके जीवन में उजाला लाने का सपना साकार हो सके। देश भर में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ये गर्मी लगातार जारी रहेगी। देश के ज्यादातर इलाकों में पारा 40 के पार चला गया है। इसकी एक बड़ी वजह अल नीनो को बताया जा रहा है। देश भर में गर्मी का कहर जारी है। अप्रैल में ही देश के कई इलाके जून जैसी गर्मी झेल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे 38% आर्द्रता यानी नमी दर्ज की गई। दिल्ली में शुक्रवार का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। उड़ीसा के तीतलागढ़ में गुरुवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी और लू के प्रकोप से मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। मलकानगिरी जिले में तापमान 42 डिग्री रहा, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और लू की वजह से 10 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। सभी शैक्षणिक संस्थान 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। उसके ऊपर पीने के पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित न हो पाना एक बड़ी समस्या बन गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों और घर से बाहर निकलते वक्त कपड़े के दस्तानों और मास्क का सहारा ले रहे हैं। नागपुर में भी गर्मी के प्रकोप से लोगों का हाल बेहाल है। 3-4 दिन से कंटिन्यूस इतनी हीट वेव चालू है कि सुबह 9-10 बजे से ही घर से बाहर निकलो तो सब दुपट्टा वगैरह बांध कर निकलना पड़ता है। काफी तकलीफ हो रही है। 40 के ऊपर पारा चला गया है। आप देखोगे तो रोड पूरे खाली है और हमें भी काफी तकलीफ हो रही है। घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। वाराणसी में भी गर्म हवाओं का कहर लोगों के साथ पेड़ पौधों और फसल पर भी असर दिखा रहा है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सामान्य से बहुत ज्यादा अधिक है। टेम्परेचर 44 डिग्री और 42 डिग्री इसके बीच में मेंटेन है। नींबू पानी हुआ, गन्ना हुआ और पन्ना हुआ, यही सब पी रहे हैं। इससे उपाय यही सब है बचने का। स्टील सिटी राउरकेला में सूखे की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। तेज गर्मी और पानी के संकट को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में गरीबों को मुफ्त पेयजल की व्यवस्था की घोषणा की है। उधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना प्रशासन ने लोगों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे मध्य और पूर्वी भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। कई सूबों में स्थिति खासी नाजुक बन चुकी है। कमोबेश यही अनुमान शनिवार का भी बताया जा रहा है। यानी इस भयंकर गर्मी से फिलहाल लोगों को निजात मिलती नहीं दिख रही। एहतियात के तौर पर लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने, शीतल पेय और पानी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और घर से बाहर निकलते वक्त शरीर ढक कर रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा और तेलंगाना में गर्म हवाओं का प्रकोप कल भी जारी रहने की आशंका है, जबकि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।